हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 टीयर वन का सेट 31, और ये पेपर हुआ था 19/8/2017 को इवनिंग शिफ्ट में। तो चलिए देखते हैं इन रियल क्वेश्चंस को। तो ये है स्पॉटिंग रेड का एक क्वेश्चन। ही वॉज सच अ वंडरफुल पर्सन इन टू सो मैनी वेज। देखिए, ये एक टिपिकल ऑफ एसएससी क्वेश्चन है। इसमें प्रपोजिशन की गलती है। हम बोलते हैं इन सो मैनी वेज, ही इज डिफरेंट इन सो मैनी वेज। ठीक है, वह अलग है काफ़ी सारे तरीकों के हिसाब से। ही इज डिफरेंट इन सो मैनी वेज, उसी तरीके से इन टू सो मैनी वेज नहीं होगा, इन सो मैनी वेज ये होगा। तो यहाँ पर प्रपोजिशन से रिलेटेड एक एरर है, और इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैजिशियन प्लेस द वॉल अंडरनीथ ऑफ हिज बैट एंड मेड अ मिस्टिक साइन अबव इट। काफ़ी सारे प्रपोजिशंस को इसमें मिक्स कर दिया गया है, काफ़ी ट्विस्ट कर दिया गया है। ये सेंटेंस जो है ये पास्ट में है। मैजिशियन प्लेस्ड सही है, यहाँ पर मेड सही है, मिस्टिक साइन, अ मिस्टिक साइन में ए सही है क्योंकि साइन जो है ये एक काउंटेबल नाउन है। अबव सही है। अंडरनीथ का मतलब होता है किसी चीज़ के जस्ट नीचे। अंडरनीथ का प्रयोग हम तब करते हैं जब जब एक चीज़ किसी चीज़ के नीचे होती है, मतलब उससे कवर रहती है। ठीक है, तो अंडरनीथ तो यहाँ पर सही है, लेकिन अंडरनीथ अपने आप में एक प्रपोजिशन है और ऑफ भी अपने आप में प्रपोजिशन है। ठीक है, तो दो प्रपोजिशन हम साथ में नहीं लगाएंगे, यानी यहाँ पर ऑफ जो है ये एक्स्ट्रा है, अंडरनीथ हिज बैट या अंडर हिज बैट। ठीक है, तो अंडरनीथ के बाद यहाँ पर ऑफ नहीं आएगा, और यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि ये बी पार्ट में है। यहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि अंडरनीथ क्या होता है। देखिए, अंडरनीथ और अंडर और बीनीथ ये तीनों सेम वर्ड हैं, अंडरनीथ, बीनीथ और अंडर। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। अंडर इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज डायरेक्टली अंडर अनदर। किसी चीज के नीचे, जस्ट नीचे कोई चीज है तो उसको हम बोलते हैं अंडर अंडर। ठीक है, अंडर, अंडरनीथ और बीनीथ ये सेम वर्ड हैं, लेकिन बीनीथ थोड़ा सा फॉर्मल वर्ड है। अंडरनीथ इज ऑफन यूज टू से दैट समथिंग इज कवर्ड बाय अनदर थिंग। एक चीज दूसरी चीज से कवर है, वहां पर आप अंडरनीथ लगा सकते हैं। अंडर का मतलब होता है डायरेक्टली बिलो। ठीक है, बीनीथ हैज द सेम मीनिंग एज अंडर और अंडरनीथ, बट इट इज फॉर्मल। बीनीथ जो है वो थोड़ा सा फॉर्मल वर्ड है। और बिलो को हम कब यूज करते हैं? बिलो इज प्रेफर्ड वेन समथिंग इज इन लोअर पोजिशन। किसी चीज की पोजिशन लोअर है तो उसके लिए हम बिलो यूज करते हैं। बट इन द सेम बिल्डिंग, हिल, पार्ट ऑफ द बॉडी एटसेट्रा एज अनदर थिंग। तो आई होप ये चारों मीनिंग्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अंडर, अंडरनीथ, बीनीथ और बिलो। ठीक है, अंडर, अंडरनीथ और बीनीथ ये सेम वर्ड्स हैं। बीनीथ थोड़ा सा फॉर्मल वर्ड है जो लिटरेचर में यूज होता है। बिलो को हम पोजिशन के लिए यूज करते हैं। तो इस तरीके से यहां पर आपका अंडरनीथ के आगे ऑफ का प्रयोग इसमें गलत है। ये है फिलिप के क्वेश्चन, और काफी सारे रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स यहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आर नेशंस इन टू अनदर कंट्रीज वॉर कुड पुल अस इन टू द क्राइसिस। देखिए, नेशंस में अपोस्ट्रोफी एस यहां पर लगा हुआ है, इसका मतलब यहां पर आपको एक नाउन चाहिए। अपोस्ट्रोफी एस लगाए मतलब यहाँ पर आपको नाउन चाहिए। जैसे जैसे मैं बोलूँ राम्स, राम्स लिखा है तो राम्स के आगे मैं बुक लिखूंगा, तो नेशंस के आगे यहाँ पर आपको एक नाउन चाहिए। और नाउन क्या है इसमें, मीनिंगफुल नाउन क्या होगा? देखिए, इंटरवेंशन यहाँ पर आएगा, क्योंकि इंटरवेंशन का मतलब होता है दूसरे के मामलों में दखल देना, इंटरफियर करना। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप लिखेंगे आर नेशंस इंटरवेंशन इन टू अनदर कंट्रीज वॉर कुड पुल अस इन टू द क्राइसिस, मतलब हमारे नेशन, यदि हमारा नेशन इंटरवीन करता है, दूसरे के वॉर में दखलअंदाजी करता है, तो इससे हमारी कंट्री में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी कंट्री में क्राइसिस क्रिएट हो सकती है। तो इंटरवेंशन यहाँ पर सही होगा। इंटेंशन का मतलब होता है कि आपका इरादा क्या है, इरादा या रवैया, उसको हम बोलते हैं इंटेंशन। परफेक्शन मतलब एकदम कंप्लीट, इन्वेंशन मतलब किसी चीज़ का आविष्कार करते हैं, उसको इन्वेंशन बोलते हैं। तो इंटरवेंशन यहाँ पर सही आपका आंसर होगा। अब इसी से मिलते जुलते कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे। इंटरवीन,
इंटरवीन का मतलब होता है इंटरवेंशन और इंटरवीन. इंटरवीन एक्चुअली वर्ब है, इंटरवेंशन एक नाउन है. तो इंटरवीन का मतलब होता है किसी दूसरे के मामले में दखल अंदाजी करना. और इसके लिए जो सिनोनिम्स हैं वो है इंटरसीड, इंटरपोज, ठीक है, आर्बिट्रेट और मीडिएट. इंटर का मतलब होता है बीच में, जैसे जब आप मूवी देखने जाते हैं तो इंटरवल जो होता है वो मूवी के बीच में होता है. तो इंटर का मतलब होता है बीच में, उससे आप ये वर्ड याद रख सकते हैं. दो लोगों के बीच में जाके दखल अंदाजी देना, इंटरसीड, इंटरपोज. तो इंटरसीड और इंटरपोज तो आप आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है. और एक होता है आर्बिट्रेट और मीडिएट, ये सारे सिनोनिम्स हैं. अब आ जाइए कन्वीन. कन्वीन का मतलब होता है इकट्ठा होना किसी मीटिंग के लिए, किसी को बुलाना मीटिंग के लिए. जैसे मीटिंग का एक कन्वीनर होता है. तो इसके सिनोनिम क्या होंगे? इसके सिनोनिम होंगे समन, कन्वोक और असेंबल. ये इसके सिनोनिम होंगे कन्वीन के. कॉन्ट्रावीन का मतलब होता है वायलेट करना किसी चीज को, डिसऑबे करना. ऑबे नहीं करना, डिसऑबे करना. तो इसके सिनोनिम होंगे वायलेट, ब्रीच, इन्फ्रिंच, ट्रांसग्रेस और काउंटर एक्ट. ठीक है, इसमें ट्रांसग्रेस काफी इंपॉर्टेंट है, ब्रीच भी काफी इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब होता है नियमों का उल्लंघन करना, कॉन्ट्रावीन. और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और है, कॉन्ट्राबैंड. कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है इलीगल गुड्स. इलीगल गुड्स इसलिए क्योंकि उनको आपने नियमों के खिलाफ उस काम को किया है आपने. कॉन्ट्राबैंड एक ऐसा सामान होता है जिसको स्मगल किया गया है, कॉन्ट्राबैंड. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा इंटरवेंशन. नेक्स्ट देखते हैं, एज ए फिटनेस दीप्ति इज ऑलवेज प्रीचिंग टू हर फ्रेंड्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग आउट. मतलब दीप्ति क्या है, एक फिटनेस का उसको बहुत शौक है और अपने अपने फ्रेंड्स को वो प्रीच करती रहती है, उपदेश देती रहती है कि वर्किंग आउट का इम्पोर्टेंस क्या है, कसरत करने का इम्पोर्टेंस क्या है. तो एज ए यानी यहाँ पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको एक नाउन चाहिए. फिटनेस क्या है, एक एडजेक्टिव है. तो जैसे फिटनेस वर्कर या कुछ भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पर जो आएगा वो नाउन आएगा और नाउन है इसमें फिटनेस इंथुजियास्ट. फिटनेस इंथुजियास्ट मतलब फिटनेस का जिसको बहुत शौक है और जो जो वर्कआउट करना काफ़ी पसंद करती है उसको हम बोलते हैं फिटनेस इंथुजियास्ट. मतलब जो फिटनेस के बारे में काफ़ी इंथुजियास्टिक है उसको हम बोलते हैं फिटनेस इंथुजियास्ट. तो यहाँ पर आएगा फिटनेस इंथुजियास्ट. इंथुजियाज्म एक नाउन है, ठीक है. इंथुजियास्टिक, इंथुजियास्टिक एक एडजेक्टिव है. इंथुजियास्टिक बिहेवियर, ठीक है. इंथुजियास्टिकली ये एडवर्ब है. तो यहाँ पर सही वर्ड होगा फिटनेस इंथुजियास्ट. बी यहाँ पर आपका सही वर्ड होगा जिसमें इंथुजियास्ट एक नाउन है और फिटनेस एक एडजेक्टिव है, ठीक है. इसलिए यहाँ पर ए ये लगा हुआ है. फनेटिक. फनेटिक मतलब आवाज़ से संबंधित, साउंड से संबंधित. तो इसका सिनोनिम क्या होगा? इसका सिनोनिम होगा स्पोकन, क्योंकि स्पोकन भी आवाज़ या साउंड से संबंधित होता है. म्यूट का मतलब चुपचाप या कोई आवाज़ नहीं करना, म्यूट हो जाना. रेटिसेंट का मतलब भी रिजर्व होता है, साइलेंट भी होता है. यानी ये तीनों वर्ड्स जो हैं ये सेम हैं. तो यहाँ पर इसका आंसर होगा स्पोकन, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, टू एस्टाउंड, आश्चर्यचकित रह जाना, पजल्ड हो जाना और भौचक्का रह जाना, इसको हम बोलते हैं एस्टाउंड, एस्टाउंडिंग ब्यूटी. तो इसका सिनोनिम क्या होगा? इसका होगा बिवाइल्डर. बिवाइल्डर और एस्टाउंड एक ही है, ठीक है. ट्रैंक्विल मतलब शांत होना या शांति. प्लेसिड और सीरीन, ये तीनों सेम वर्ड है. ट्रैंक्विल, प्लेसिड. प्लेसिड का मतलब भी काम या कंपोज होता है, सीरीन का मतलब शांत होता है, ठीक है. ट्रैंक्विलिटी इससे एक नाउन बन सकता है, ट्रैंक्विल या ट्रैंक्विलिटी. ट्रैंक्विल एक एडजेक्टिव है. बिवाइल्डर यहाँ पर इसका एडजेक्टिव होगा एस्टाउंड का, बिवाइल्डर. डिसडेन का मतलब नफरत करना किसी से, किसी को नफरत से देखना, उसके अगेंस्ट होना. तो यहाँ पर लेकिन एंटोनिम चाहिए आपको, तो एंटोनिम इसका होगा एडमिरेशन. क्योंकि डिसडेन और एडमिरेशन जो है ये अपोजिट वर्ड है. एंटीपैथी, डिरीजन और स्कॉर्न, ये आपके अलग वर्ड हैं. एंटीपैथी मतलब किसी के अगेंस्ट होना, डिरीजन मतलब किसी की हंसी उड़ाना, स्कॉर्न का मतलब भी यही होता है, किसी का मखौल उड़ाना. नेक्स्ट देखते हैं कैनोनिकल. कैनोनिकल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो ऑथोराइज्ड है, एक्सेप्टेड है, अप्रूव्ड है, रिकग्नाइज्ड है, उसको हम बोलते हैं कैनोनिकल. ये एक अच्छा वर्ड है और यहाँ पर आपको एंटोनिम चाहिए, तो अप्रूव्ड, ऑफिशियल और सेंक्शन. तो ये तो सिनोनिम होगा इसके. अनऑर्थोडॉक्स इसका
एंटोनिम यहां पर होगा। ये इडियम और फ्रेजेस के कुछ क्वेश्चन हैं। इट गोज विदाउट सेइंग, क्या मतलब है इसका? इट गोज विदाउट सेइंग मतलब इस चीज को कहने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही ऑब्वियस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि समथिंग विच इज इम्प्लाइड टू बी ऑब्वियस, समथिंग विच इज इम्प्लाइड टू बी ऑब्वियस, इम्प्लाइड है वो, उसको कहने की जरूरत नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं इट गोज विदाउट सेइंग। टू लेट समवन ऑफ, टू लेट समवन ऑफ, लेट ऑफ मतलब छोड़ देना किसी को, माफ कर देना उसको, उसके ब्लेम से मुक्ति देना। टू रिलीज समवन फ्रॉम ब्लेम, तो सी यहां पर इसका सही आंसर होगा। मे बी दे, क्या आ सकता है इसमें? हैज और हैड के स्थान पर, चूंकि दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैज नहीं आएगा यहां पर, यानी यहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। देवर हैड अ फाइट, दे वर्क के साथ हैड नहीं लगेगा तो ये तो गलत हो गया। दे वॉज हैविंग नहीं बोल सकते क्योंकि दे के साथ वॉज नहीं आएगा, देवर हैविंग हो सकता है। देवर हैविंग अ फाइट, देवर हैविंग अ फाइट मतलब देवर एक्सपीरियंसिंग ए फाइट। हैविंग का प्रयोग हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए करते हैं। देवर हैविंग ए पार्टी, ठीक है, देवर हैविंग ए डिस्कशन, उसी तरीके से देवर हैविंग अ फाइट, तो सी यहाँ पर इसका सही आंसर हो सकता है, हो सकता है मतलब है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वी वुडंट वॉन्ट देम टू थिंक वी डूइंग एनीथिंग इमोरल, यहाँ पर भी सेम है, वी के साथ हम वॉज नहीं लगाएंगे, वी के साथ डन नहीं लगेगा यहाँ पर। वी वर डूइंग एनीथिंग इमोरल, वी वर डूइंग सही है यहाँ पर, तो बी इसमें आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेसिवली लेंदी स्पीच, बहुत ज़्यादा लेंदी स्पीच जो होती है उसको हम बोलते हैं वर्बीएज। वर्बीएज मतलब वर्बल से बना है, वर्बल होता है शब्द, काफ़ी सारे शब्द होते हैं उसमें, ठीक है। और कंसीजन मतलब ये ब्रीफ, ब्रीफ से रिलेटेड वर्ड है ये तीनों, कंसीजन मतलब कंसाइज, कर्ट, सक्सिंक्ट, इन सभी का मतलब है ब्रीफ, ठीक है। तो वर्बीएज यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, एन ऑर्नामेंटल स्टाफ कैरिड बाई रूलर्स ऑन सेरिमोनियल ओकेजन एज अ सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी, जैसे पिछले ज़माने में राजा महाराजा होते थे या कोई रूलर होता था तो उसके साथ हाथी घोड़े और सेरिमोनियल स्टाफ चलता था, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? देखिए इसको हम बोलते हैं स्केप्टर। स्पेक्टिकल होता है किसी भी साइट या सीन या दृश्य को हम स्पेक्टिकल बोलते हैं। रिस्पेक्टिकल, रिसेप्टिकल जो होता है वो होता है कंटेनर या वेसल, और जीफर होता है जेंटल वाइंड, हल्की ठंडी हवा, उसको हम बोलते हैं जीफर। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा स्केप्टर, ये इसका सही आंसर होगा। ये काफ़ी अच्छा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। और यहाँ पर मैं दो वर्ड आपको बता रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एसएससी एग्जाम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जेंटल का मतलब होता है काइंड या सॉफ्ट या माइल्ड, काइंड या सॉफ्ट, जैसे छोटा सा, जैसे कोई भी चीज़ जो मुलायम सी है या मासूम सी है, काइंड है, सॉफ्ट है, उसको बोलते हैं जेंटल, जैसे हम बोलते हैं जेंटल टच। और जेंटील का मतलब होता है जो काफ़ी सोफेस्टिकेटेड है, पॉलिश्ड है, जो वेल मैनर्ड है, उसको हम बोलते हैं जेंटील, ठीक है। तो ये इन दोनों में अंतर है। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कंट्यूशन की सही स्पेलिंग है CONTUSION, कंट्यूशन। तो कंट्यूशन एक्चुअली एक, जैसे जैसे आप कहीं गिर जाते हैं, आपके लग जाती है, वहाँ पर एक ब्रूज हो जाता है, वहाँ पर एक इंजरी हो जाती है, काला सा दाग पड़ जाता है, उसको हम बोलते हैं कंट्यूशन। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, स्कीमिटर्स, स्कीमिटर्स एक तलवार टाइप की होती है। स्कीमिटर इज ए शॉर्ट कर्व सॉर्ड दैट कम्स फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। तो इसमें सही स्पेलिंग क्या है? SCIMITARS, ये इसमें सही स्पेलिंग है स्कीमिटर्स की, ठीक है। ये है पैराजम्बल के क्वेश्चन। थ्री टाइम्स दिस वॉज के वॉज लगा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, यानी ये पैसिव वॉइस में यूज हो रहा है। थ्री टाइम दिस वॉज रिपीटेड एंड ईच टाइम द अर्थ अर्थ शुक विथ नॉइज दैट कैन ओनली बी कंपेयर टू द डीपेस्ट नोट्स ऑफ थंडर। सरल है और इसका आप, इसका आंसर हो जाएगा आपका Z by X है आपका सी में, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा Z by X।
नेक्स्ट देखते हैं द कॉजेज एंड देयर कॉज, कॉज के साथ हम किस चीज को जोड़ते हैं, कॉज एंड इफेक्ट, तो कॉजेज एंड देयर इफेक्ट्स ये हो जाएगा फर्स्ट, बिलोंग टू द वन ऑर्डर, दे स्टैंड इन द सेम सीरीज, ये कहीं से बीच में से ये पैसेज लिया है, इसका भी वही होगा जेड बाय एक्स, जेड बाय एक्स दिया है डी में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं सुनीता विल बेक 2 डजन कप केक्स फॉर द बेक सेल, मतलब सुनीता 2 दर्जन कप केक्स को बेक करेगी यानी बिस्किट्स बनाएगी बेक सेल के लिए, तो सुनीता विल बेक, ये है सब्जेक्ट आपका सुनीता, विल बेक इसमें वर्ब है, 2 डजन कप केक्स ये आपका है ऑब्जेक्ट, और ये है एक्स्ट्रा पार्ट, ये है आपका प्रपोजिशनल फ्रेज, तो ये इसको आप आखिरी में या शुरू में लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर द बेक सेल इसको शुरू में लगा दिया है, 2 डजन केक्स विल बी बेक्ड बाय सुनीता, ये सही है क्योंकि विल का विल बी हो जाएगा और बेक का बेक्ड हो जाएगा, ठीक है, और ये ऑप्शन जो है ये सी में है केवल, तो इसलिए इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट। माई मदर सेट टू माई फादर आई एम वेरी बिजी नाउ, माई मदर टोल्ड माई फादर, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है फादर, तो ये हो जाएगा माई मदर टोल्ड माई फादर दैट, यहाँ पर हो जाएगा शी, यहाँ पर हो जाएगा वॉज, वेरी बिजी का वेरी बिजी ही रहेगा, नाउ का हो जाएगा देन। अब देखिए देन केवल इस सेंटेंस में दिया है, माई मदर टोल्ड माई फादर दैट, नहीं इसमें वॉज नहीं है, ये होगा एक्चुअली, माई मदर टोल्ड माई फादर दैट सी वॉज वेरी बिजी देन, ये इसमें आपका सही आंसर होगा सी। ये है आपका क्लोज टेस्ट, इसको पढ़ते हैं, दिस वॉज इनफ द बुक स्टोर ओनर टर्न्ड लाइब्रेरियन हुसैन टू असेस इट्स वैल्यूबल कॉन्टेंट्स, यहाँ पर एक व्यक्ति की बात हो रही है जिसका नाम है हुसैन और वो बुक स्टोर का मालिक है और लाइब्रेरियन भी है, ठीक है, असेस का मतलब होता है किसी चीज़ को असेस करना या एवेल्युएट करना, दिस वॉज इनफ फॉर ही आ सकता है, दिस वॉज इनफ फॉर द बुक स्टोर ओनर टर्न लाइब्रेरियन हुसैन टू असेस इट्स वैल्यूबल कॉन्टेंट्स, तो यहाँ पर मीनिंग के हिसाब से फॉर ही आ सकता है, ये उसके लिए पर्याप्त था, दिस वॉज इनफ फॉर द बुक स्टोर ओनर टर्न लाइब्रेरियन हुसैन टू असेस इट्स वैल्यूबल कॉन्टेंट्स, ये बीच में से उठाया है, उठाया हुआ कहीं से लग रहा है ये, दिस वॉज इनफ फॉर द बुक स्टोर ओनर टर्न लाइब्रेरियन हुसैन टू असेस इट्स वैल्यूबल कॉन्टेंट, द प्रीफेस ऑफ द बुक रीड, मतलब एक बुक की बात हो रही है जिसका प्रीफेस जो था उसमें लिखा हुआ था पेंटर्स टेक्निकल नॉलेज टू पेंट बट लैक टू अंडरस्टैंड नेचर, मतलब पेंटर्स के पास टेक्निकल नॉलेज तो होती है लेकिन वो नेचर को नहीं समझ पाते हैं, तो इसमें ऑप्शन क्या हो सकता है, इसमें ऑप्शन होगा आपका हैव, ठीक हैव ही हो सकता है इसमें, पेंटर्स हैव टेक्निकल नॉलेज टू पेंट बट दे लैक टू अंडरस्टैंड नेचर और दे फेल टू क्रिएट अ मास्टर पीस, वो लोग पेंटर जो हैं वो मास्टर पीस क्यों नहीं क्रिएट कर पाते, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज तो है उनको लेकिन नेचर को समझने की नॉलेज नहीं है, ये इसका रीज़न है, तो यहाँ पर आएगा हैंस, हैंस के थ्रू हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, चूंकि वो नेचर को नहीं समझते हैं, टेक्निकल नॉलेज होती है लेकिन नेचर को नहीं समझते इसलिए दे फेल टू क्रिएट अ मास्टर पीस, तो हैंस यहाँ पर सही आंसर होगा, हैंस दे फेल टू क्रिएट अ मास्टर पीस, ऑल आई इन माई लाइफ इज अबाउट बुक्स एंड फ्रॉम बुक्स, मतलब अपनी अपनी लाइफ में मैंने जो कुछ भी सीखा वो बुक्स से सीखा और बुक्स के बारे में सीखा, तो ऑल आई लर्न्ड होगा यहाँ पर, ऑल क्योंकि पास्ट में बोल रहे हैं ये, ऑल आई लर्न्ड इन माई लाइफ इज अबाउट बुक्स एंड फ्रॉम बुक्स, द ग्रैंड लाइब्रेरी द पैलेस इज ए कैश ऑफ नॉलेज, ग्रैंड लाइब्रेरी कहाँ पर है, वो पैलेस के पास है, तो एट द पैलेस आप बोल सकते हैं यहाँ पर, एट द पैलेस इज ए कैश ऑफ नॉलेज, कैश होता है किसी भी चीज़ का एकुमुलेशन या स्टोर, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, इसको हम कैश बोलते हैं, कैच नहीं बोलते, ठीक है, तो इस तरीके से ये सेट 31 था और इसमें मैंने प्री के 25 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं, कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर दे सकते हैं, इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में, थैंक यू।